हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने इससे पहले देखा होगा, मैंने लास्ट वीक में व्लॉग शूट करे थे और उसके बाद फेस्टिवल बकरा ईद आई, उस पर ज़्यादातर लोग सब घर चले गए, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आया, लाइक कटिंग करना, स्टिचिंग करना और पार्सल करवाना, बहुत सारे काम में मैं परेशान हो गया था थोड़ा, बट धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो गया। अभी मैं फिर से व्लॉग बनाना कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है फाद, वो घर से आ रहे हैं हैदराबाद, यहाँ याले घर पर, और अम्मी ने कुछ आम भेजे हैं बहुत ज़बरदस्त, और बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, दलिया और भी चीज़ें, और जो भी चाहिए होता है अम्मी पूछती हैं। जब भी कोई आता है जान पहचान वाला या कोई घर का, तब अम्मी पूछती हैं आपको क्या चाहिए, आप बता दीजिए, आप यहाँ पर आ जाता है इजीली। तो अभी वो लोग वहाँ से चल चुके हैं, 1 बजे की ट्रेन थी, अभी 2 बज रहे तकरीबन, तो वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से और कल इसी टाइम पे आ जाएंगे। हो सकता है मुझे लेने जाना पड़े क्योंकि सामान ज़्यादा है, और यहाँ पर बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, अभी लास्ट वीक में बहुत हो रही थी बट फिर से हो रही है, और ज़्यादातर मैं बता दूँ वासिद, यासीन और चचा जिशान भाई सभी चले गए। जिशान भाई को भी एक अर्जेंट काम आया, उसकी वजह से उन्हें भी जाना पड़ा, बट जल्दी फिर से सब रिटर्न करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ कि जो हम लोग ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, लाइक जो अपने डिज़ाइन वाले ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा व्लॉगिंग टाइप में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें, जिससे कि सीखने का लेवल तब और बढ़ जाता है जब उसमें थोड़ा सा फन और एक्टिविटी हो जाए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फिर से हम लोग एक, मतलब चैनल अच्छा है, चल रहा है, प्यार भी बहुत ज़्यादा लोगों का मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि अगर हम लोग उस पर थोड़ा सा मिर्च मसाला व्लॉगिंग वाला लगा देना, मज़ा आ जाएगा। तो देखेंगे अभी आगे, भाई लोग भी आ जाएं, सबसे डिस्कशन ज़रूर करेंगे, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं कितना ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग तो हैं सपोर्ट करने के लिए, तो अभी तो फ़िलहाल काम करना है, देखो बहुत सारा काम है यार, अकेले रात को 2-2 बज रहे हैं स्टिचिंग करते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत सारा काम है, सब करना है, अभी जाना है ग्राउंड जाएंगे, रनिंग करने भी जाना है, जिम विम बड़ा सब करना है, बट करते रहना है, रुकना नहीं है। ओके, तो गाइस अभी मैं आया था ग्राउंड पे वॉक करने के लिए, मतलब रनिंग करता हूँ अब मैं डेली, 22-23 मिनट्स करता हूँ, पूरा ग्राउंड खाली है, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहा है, मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लग रहा है आज फिर बारिश होगी, है ही मौसम, आप देख रहे हैं पीछे मौसम कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी बस रनिंग करेंगे, उसके बाद में पुशअप करते हैं, वो तो मेरी जो सीरीज़ चल रही है फैट टू फिट वाली मेरे चैनल पर, उसमें ये डेली एक वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं, जिसमें एक्सरसाइज जो भी होते हैं वो सारे शेयर करता हूँ, जो रनिंग है, पुशअप है, ये सब तो वो शेयर करता हूँ, वो भी आप ज़रूर चेक करो। वो इसलिए बनाता हूँ ताकि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फैट है उनको, वो फिट होना चाह रहे हैं या एप्स या मतलब बॉडी को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा उस वीडियो से, उनको मोटिवेट होंगे, और बस इसमें आपको कंटिन्यू रखना है, डेडिकेटेड रहना है। तो बस चलो जल्दी से पूरा कर लेते हैं, और काम अभी बहुत सारा है, तो पूरा करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो गाइस अभी रनिंग और जो अपना एक सीरीज़ का एक एपिसोड शूट कर रहा होता वो भी हो गया है, बहुत ज़्यादा आज थक गया, ये लाइट पिंक से थोड़ा डार्क हो गई है, बहुत मज़ा आ रहा है इस बार, मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ पर फुल डेडिकेटेड होते हैं ना, तो फिर अच्छा भी लगता है और रिज़ल्ट मिलता है जब और ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ रुकना नहीं, अगर आप रुकने के लिए स्टार्ट करो तो स्टार्ट मत करो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो रुको मत, ये मंत्र याद रखो। और अपना कार्यक्रम हो गया है आज का यहाँ पर, अब चलेंगे घर, भूख भी लग रही है, मिलते हैं फिर। तो गाइस अभी टाइम है जिम जाने का, तो जिम के दौरान जो अपन आजकल यूज़ कर रहे हैं वो है BCAA मसल ब्लेज का है, गोल्ड, अच्छा है, कोई प्रमोशन वीडियोस नहीं है, पर ज़बरदस्त चीज़ है, मज़ा आता है, एक बार ले लिए तो पूरा करंट दौड़ जाता बॉडी में। ये भी खत्म होने वाला है, दूसरा लेना है जल्दी,
अच्छा है, हेवी वेट उठाने में मज़ा आता है, रिकवरी बहुत फास्ट है, थकान कम लगती है वर्कआउट के दौरान, मज़ा आता है करने में। जल्दी जब चेंजेस आपके साथ शेयर करूँगा, जब आपको खुद पता चलेगा कि जो प्रोटीन मैंने लिया जो, या आजकल एक और चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है हेल्थ कार्ड का मल्टी विटामिन्स और ओमेगा फिश ऑयल, ज़बरदस्त चीज़ है ये। मल्टी विटामिन्स तो जो डेली की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता है, और फिश ऑयल भी ज़रूरी है जॉइंट के लिए, हार्ट के लिए, माइंड के लिए, तो इस वजह से सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। जो पहले वाला था, पहले वाले तो ख़त्म हो गए थे दोनों, इसके लिए नया ऑर्डर करें आगे वो भी। चलो अब जाएंगे जिम, फिर मिलते हैं आपसे जिम के बाद। वैसे अभी जिम करके आ चुके हैं घर, और अब टाइम है अपना प्रोटीन लेने का। और ये मसल ब्लेस का बायोजेम परफॉर्मेंस वे है, और आम तो अभी तक खा नहीं पाए थे तो मैंगो फ्लेवर वाला ही है, और कल आम भी आ जाएंगे। एक स्कूप, ज़बरदस्त प्रोटीन है, टेस्ट बहुत अच्छा है, कोई स्पॉन्सर नहीं है बट अच्छा है तो अच्छा है। फिर से जिद कर चुके हैं, अब क्या करें। तो आज ना गाइस, एक बॉम्बे से एक सर आए थे जो ख़ास मिलने आए थे मुझसे, तो उनसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बड़ा अच्छे नेचर था। उनको एक्चुअल में चाहिए था सीखने वाला सामान, इक्विपमेंट्स, तो मैंने उन्हें वो प्रोवाइड कराया। और अनएक्सपेक्टेड था कि कोई बॉम्बे से मिलने आएगा, बहुत अच्छा लगा। लाइट भी चली गई, थोड़ी बातें करी हम लोगों ने, उन्होंने अपना काम दिखाया, मैंने अपना आर्ट दिखाया जो एक्चुअल में यहाँ पर है, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ कि यार बताओ, इतना ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो कि बॉम्बे, बॉम्बे में एक भीड़ बोल के कुछ एरिया है, भीड़, वहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा फेमस बुटीक है। तो वह हैदराबाद आए थे, मुझसे मिले, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। और आप में से कोई भी आ सकते हो बुटीक पे, विज़िट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से काम कर सकते हैं, यहाँ से भी किट ले सकते हो, सब अवेलेबल है। तो आप लोगों के प्यार के लिए थैंक यू सो मच यार। गाइज़ आम तो आ चुके हैं, देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था तो इसके लिए मैं जो स्टेशन वाला पार्ट था वो शूट नहीं कर पाया, हमारे छोटे भाई फहद आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं ऊपर। जो आम भेजे हैं ना, आप देखोगे ना मज़ा आ जाएगा, हरे हरे से, इतने बड़े बड़े साइज़ के यार। वो सब हमारे वहाँ एक बोला जाता है आम की एक नस्ल है, चौसा उसको बोलते हैं, वो काफ़ी लास्ट तक चलता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो, आप कच्चे पे भी खा सकते हो, पक्के पे भी खा सकते हो। तो वो पके तो नहीं है, अभी कच्चे हैं, पूरी एक कैरेट भर के आया है। तो अभी चलते हैं ऊपर, फहद भाई को आपसे मिलाते हैं और आम आपको दिखाते हैं जो हमारी अम्मा ने हमें भेजा है। चलिए ऊपर चलते हैं। तो गाइज़ ये एक कैरेट है जो अम्मा ने घर से भेजा है पूरा, देख लो कितने बड़े बड़े आम हैं, और ये सब चौसे हैं, पक्के नहीं हैं। फहद भाई ने इसमें जुगाड़ करा है, प्याज लगाई है। और ये हमारे भाई हैं फहद, जो घर से आए हैं सारा सामान लेके, इनका ये साइंस है कि प्याज लगा के आम पका देंगे, इस वजह से लगाया। चलो बढ़िया, इसको ढक के रख देते हैं और एक दो दिन में खाने वाले हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें भेजी अम्मा ने, और एक चीज़ भेजी है वो है ये जो देख रहे हैं ना, सिमैया है मीठी वाली जो ईद में बनती हैं। तो अब ये थोड़ा डाइट चीट कर करके ख़त्म करी जाएंगे। और भी सामान है, चने वगैरह सब भेजे अम्मा ने, तो शुक्रिया अम्मा। चलो फिर नीचे मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी ऊपर से खाना खा के नीचे आ चुके हैं बुटीक में, तो आज के वीडियोज़ को यहीं तक रखते हैं गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आप अगर बाहर काम करते हो, आपके लिए कुछ भी घर से आता है ना, तो वो स्पेशल होता है, वो मतलब वो फीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और अम्मी को बहुत सारा शुक्रिया, आई लव यू अम्मी, इतना ख्याल रखने के लिए। और आप सबकी भी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करा करो, क्योंकि वो हर एक चीज़ का ख्याल रखती हैं, आप चाहे पास रहो चाहे दूर रहो, वो ज़रूर ख्याल रखती हैं। अभी रात का 12:45 हो रहा है, तो अभी एडिटिंग भी करना, तो ये व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। कल वाले व्लॉग में देखते हैं आम क्या है, खाने में कैसा है, सब चेक करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, अगर नए हो तो लाइक करना, पुराने हो तो सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज, लव यू सो मच, टेक केयर।